हेलो क्लैशर्स, ट्राई टू गेमिंग में आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो ले। ये वीडियो में आप एसेसिन और जंगली इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है जो बहुत ही अच्छे एसेसिन को खेलते हैं, लेकिन उनको परफेक्ट नहीं पता कि एसेसिन की क्या रोल है और कब अटैक करना चाहिए, कब डिफेंस करना चाहिए। तो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। बिना गोलेम को मारते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब एज ए एसेसिन आप खेल रहे हो तो स्किल में, टैलेंट में हमेशा आपको पनिश यूज करना है, क्योंकि पनिश से आपको इजी होगी आपकी जंगलिंग में और आप इजीली जंगलिंग कर पाओगे, तो फास्ट फॉरवर्ड करेगा। एक एसेसिन को गेम के शुरुआत में ब्लू बफ लेना चाहिए हमेशा, क्योंकि ब्लू बफ एसेसिन को मैना प्रोडक्शन करती है। जो लाइफ है हम लोगों का ग्रीन में, उसके नीचे ब्लू लाइफ जो है मैना को रिप्रेजेंट करती है, और मैना एक एसेसिन के लिए बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि एसेसिन हमेशा अपनी थर्ड एल्टी को यूज़ करेगा, जिसके लिए मैना होना बहुत ही ज़रूरत है। तो पहले एक एसेसिन को हमेशा और हमेशा ब्लू बफ को हिट करना चाहिए। आफ्टर हैविंग ऑफ ब्लू बफ, एक एसेसिन को रेड बफ के लिए जाना चाहिए। रेड बफ से हम लोगों को पावर मिलेगी, फार्मिंग करने में हम लोगों को इम्पोर्टेंस देगी, जो फार्मिंग करने में हम लोगों को मदद करेगी। एक एसेसिन को हमेशा अपनी जंगलिंग में फास्ट अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो क्या है ये जंगलिंग आपने देखा, कैसे मैं पहले ब्लू बफ ले रहा हूँ, उसके बाद अपना रेड बफ ले रहा और स्किल में इंचैनमेंट यूज कर रहा हूँ, जो उसका जो नाम है वो है पनिश। स्किल में जो टैलेंट में यूज कर रहा हूँ उसका नाम है पनिश। मैंने अपने दोनों रेड एंड ब्लू बफ को ले लिया, उसके बाद मैं मैप को फॉलो किया और देख रहा हूँ कि मेरा टीममेट्स और ओपोनेंट इंगेज हो रहा है, लेकिन मैं इंगेज नहीं हुआ। मैं लो हेल्थ में जाके थर्ड एल्टी यूज किया और टीममेट को एक किल दिया। उसके बाद मैं मैप फॉलो किया कि ओपोनेंट नहीं है आसपास, तो चलो जाके स्लेयर ले सकते हैं। ऐसे स्ट्रेटजी में आपको हमेशा ये स्ट्रेटजी फॉलो करके हमेशा स्लेयर को पिक करना। जैसे कि मैंने स्लेयर को ले लिया, उसके बाद मैं किल के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि गेम अभी स्टार्ट हुआ है, तो मैंने आके फिर से जंगलिंग करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं आपको कहा था कि मैना एसेसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिर से जाके ब्लू बफ लेना स्टार्ट कर दिया। और आपको अपना जो स्पीड है हमेशा फॉलो करना है, आपको अपना स्पीड को हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि एक एसेसिन को पूरा गेम भाग के खेलना पड़ता है, पूरा गेम भाग के खेलना पड़ता है और हमेशा रोटेशन करना पड़ता है और मेज को भी रोटेशन करना पड़ता है। लेकिन मेज की वीडियो एक अलग से लेके आया हुआ कि आप एसेसिन की देख लो। तो उसके बाद जैसे कि मैंने अपने ब्लू बफ को ले लिया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आसपास कोई नहीं है, तो मैं ड्रैगन ले सकता हूँ, तो मैंने एक चांस लिया और मैंने अपने टीममेट को भी बुलाया। तो मेरा जो मार्क्समैन है, मेरा मार्क्समैन आ गया और मेरा और एक टीममेट का आ गया टैंक, वाई मैंने जो नया टैंक है, तो मैंने अपने टीममेट को बुला लिया और आसानी से ड्रैगन ले लिया। स्लेयर और ड्रैगन मैं दोनों को ले लिया, क्योंकि दूसरा ऑपोनेंट जो है वो लोग रिवाइव कर रहे थे, तो मैंने रिवाइव को स्टार्ट किया। उसके बाद फिर से मैंने रेड बफ को स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि ऐसे मुझे जंगलिंग करना है, ठीक है, तो ऐसे मुझे जंगलिंग करना है और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके शुरुआती गेमों में मुझे जंगलिंग भी करना है और बिना मर के, हाँ आप सही सुनो, बिना मर के मुझे ड्रैगन लेना है। आप लेट में भी जाके अटैक कर सकते हो, आप पास में भी जाके अटैक कर सकते हो, लेकिन मैप को हमेशा आपको फॉलो करना है। तो क्लैशर्स, आप सबने देखा कि कैसे रेड बफ और ब्लू बफ कौन को पहले अटैक करना चाहिए, कौन सी बफ आपको पहले लेना चाहिए, उसके बाद कैसे स्ट्रेटजी यूज करके स्लेयर और ड्रैगन लेना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि एक एसेसिन को अटैक कब करनी चाहिए। एक एसेसिन अटैक करेगा इंगेजिंग के लास्ट मोमेंट में, जी हाँ आप सही समझो, जब आपकी टीम इंगेज हो रहा है तब आपको अटैक करने में नहीं जाना चाहिए। अगर आप अटैक करोगे तो सबसे पहले आप मरोगे, क्योंकि एक एसेसिन का लाइफ बहुत ही कम होता है। उसके बाद आपको हमेशा मार्क्समैन में टारगेट करना चाहिए, जी हाँ आपको हमेशा मार्क्समैन में टारगेट करना चाहिए,
और आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ओपोनेंट की मार्क्समैन की पोजीशन कहाँ है। पहले आप ओपोनेंट का मार्क्समैन को टारगेट करो, मार्क्समैन को मार के आप अपने किल लो, अपनी पावर और फार्मिंग बढ़ाओ। उसके बाद आप मेजेस को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि वॉरियर, टैंक और एसिसियन, ये तीन ओपोनेंट को आप टारगेट मत करना। पहले आपको मार्क्समैन को टारगेट करना है, लो हेल्थ टैंकेंस को टारगेट करना है, मार्क्समैन को टारगेट करना है। तीन गेम में सबसे लास्ट हिजा की इमेज होना है, सबसे लास्ट हिजा। मेरा लाइफ कम था यहाँ पर, लेकिन मैंने लो हेल्थ को अटैक किया और टीम को किल दिया। जैसे कि आप देख रहे हो कि मार्क्समैन मुझे अटैक कर रहा है, लेकिन मैं छूट गया और लास्ट में जाके अटैक किया और किल लेके चले आया। ऐसे स्ट्रेटजी यूज करके आपको एसिशियन प्ले करना है। अगर आप सबसे पहले जाके अटैक करते हो एज एसिशियन, तो आप मरोगे। इसलिए आपको हमेशा सेफ खेलना है, और एक एसिशियन का स्ट्रेटजी ऑफ अटैकिंग यही होगा कि सबसे लास्ट में जाके अटैक करना है और किल लेके वापस आना है और जंगलिंग करना है। उसके बाद जब आपका फार्मिंग बहुत बढ़ जाएगा, उसके बाद आप फ्री जाके वन बाय वन जाके वन शॉट में मेज एसिशियन को ले सकते हो। लेकिन शुरुआत की दौर में आपको हमेशा लो हेल्थ में अटैक करना है, बार बार में करता होगा लो हेल्थ में अटैक करना है और मार्क्समैन को टारगेट। वेल, जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा इस पोजीशन में मेरा फार्मिंग अच्छी हो गई है, जो मेरा पावर बन गई है और मैं अभी वन बाय वन जाके अटैक ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वन बाय वन जाके अटैक के लिए चांस लेना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा कि ओपोनेंट में कौन सा प्लेयर की फार्म सबसे कम है, तो इरोल का फार्म ऑपोजिट में बहुत कम था, तो मैं इरोल को डायरेक्ट जाके इरोल का किल ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओपोनेंट आ रहे, इंगेज हो रहे, लेकिन मैंने ड्रैगन मारने में हेल्प किया और ड्रैगन की बफ फिर से हमारे टीम ने ले लिया। इसके बाद हम जाके मार्क्समैन को फिर से टारगेट किए और मेरा मार्क्समैन ने मार्क्समैन को मार दिया। उसके बाद जो मेज थी, मैं उसको जाके टारगेट किया, मेज इस्केप होने वाला था, लेकिन मेरा जो फार्म बढ़ गया तो मैंने जाके मेज का किल ले लिया। तो इस टेक्निक से आप एक परफेक्ट एसेसियन और एक परफेक्ट जंगलर बन सकते हो। सो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का चैनल लिंक है, वो भी फॉलो कीजिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अरे कहाँ जा रहे हो, गेम का फिनिशिंग तो देख के जाओ। हाँ, जैसे कि मैंने फिर से किल लिया और उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि जाके चलो रैली पुश करते और डिफीट करते, लेकिन उन लोगों ने सरेंडर पहले से ही कर दिया।